ठीक है, जल्दी नोट करें क्वेश्चन सबको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल सही बेटा, ये सही है। मास 2A है तो 2A लिखेंगे, ध्यान नहीं रहा मुझे, 2A आएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका 14। ये मास 2A है ना तो 2A लिखेंगे, सही बात है बिल्कुल। तो ये बनेगा 14, बन जाएगा 13 की बजाय, तो ये बन जाएगा 14, बिल्कुल सही है। ये देख लेना, छोटी सी कैलकुलेशन हो गया, तो ये 14 आएगा, ये कितना आ जाएगा 14। चलो ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ये 2A है ना मास, तो 2A लिखेंगे बेटा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। पास ये आपका आया हुआ है आईआईटी में क्वेश्चन ना, ये एक पुल्ली है आपके पास यहां से, और ये एक स्ट्रिंग है यहां से, ये एक ब्लॉक, एक पुल्ली और है ऐसे बंधा हुआ है, तो ये आपस में ऐसे बंधे हुए, ठीक है, ये ऐसे आए हुए, ठीक है, ये एक ब्लॉक से ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है। बड़ा अच्छे से बना देती हूँ मैं इसको, ठीक है, ये भी नीचे यू वेलोसिटी से इसको खींच रहा है, ये एंगल इन दोनों के बीच में क्या है थीटा, ये एंगल भी क्या बन रहा है आपका थीटा, ये पुली फिक्स है, पुली कैसी है फिक्स है, मूवेबल पुली मैंने समझाया था, कि मूवेबल पुली की और भी क्वेश्चन करवाऊंगी मैं। ये मास आपके पास कुछ भी मान लिया मैंने एम, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है बताइए ये किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, वी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। देखो जब आप इस ब्लॉक को खींचोगे नीचे, जब आप इस ब्लॉक को नीचे खींचोगे तो ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा किसी वेलोसिटी वी से, बोलो जाएगा या नहीं जाएगा, ये वाला ब्लॉक किसी वेलोसिटी से नीचे जाएगा। तो देखो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहां से ये भी टेंशन होगी इधर, एक टेंशन टी इधर हो जाएगी आपके पास, तो यहां से देखो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा इसके कारण आएगा इधर, एक इधर वाली स्ट्रिंग के कारण इधर एक और आएगा टी कॉस थीटा, ये ऊपर ऐसे जा रहा होगा ना वेलोसिटी वी से, तो वही लगाते हैं टी डॉट वी बराबर जीरो, क्या लगाएंगे टी डॉट वी किसके बराबर हो जाएगा आपका जीरो के बराबर। तो देखो इसमें वेलोसिटी नीचे टेंशन ऊपर, तो टी इंटू माइनस यू, इसमें वेलोसिटी नीचे टेंशन ऊपर माइनस टी इंटू यू, अरे प्लस टी इंटू माइनस यू, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट है तो थीटा 180 डिग्री, एक दूसरे से अपोजिट है ना तो थीटा 180 डिग्री, उसके लिए क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा आपका माइनस, प्लस ये आपके पास टेंशन क्या बनी 2t, टी इंटू टी 2t कोस थीटा, वेलोसिटी वी से ऊपर जा रहा बराबर जीरो, टेंशन और वही तो कर रहे हैं ना टी डॉट वी बराबर जीरो, क्या कर रहे हैं टी डॉट वी किसके बराबर आपका जीरो के बराबर, तो क्या आया माइनस, देखो टी माइनस का टी यू माइनस का टी यू प्लस टू टी वी कोस थीटा बराबर जीरो, तो टी यू माइनस का टू टी यू बराबर टू टी, ये उधर जाएगा तो माइनस का वी कोस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टी से टी भी कैंसिल, टू से टू भी कैंसिल, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी यू बाई कोस थीटा, तो वी किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, इसके ऑप्शन दे रखे थे इस क्वेश्चन के आईआईटी में जब आया था, इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या आए आए हुए इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के ऑप्शन था, ऑप्शन ए था 2u cos थीटा, ऑप्शन बी था u cos थीटा, ऑप्शन सी था u y cos थीटा, ऑप्शन डी था 3u cos थीटा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा u cos थीटा,
तो यू कॉस थीटा ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुआ बताओ क्वेश्चन, बोले बेटा समझ आ गया क्वेश्चन? आ गया मैम। ठीक है आगे जल्दी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फास्ट जल्दी से। देखो ये किसी टेंशन, इसको यू वेलोसिटी से आप इसको नीचे खींच रहे हो, इसको भी यू वेलोसिटी से नीचे खींच रहे हो, तो टेंशन तो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी। अरे मास लटका होता तो भी वही बात होती ना। तो देखो ये टेंशन और वेलोसिटी एक दूसरे से अपोजिट है, थीटा 180 डिग्री बनेगा, कॉस 180 क्या होता माइनस, अरे टी डॉट ए का मतलब टी वी कॉस थीटा, और टी और वी के बीच का एंगल ही तो देखना आपको, टी और वी के बीच का क्या देखते हो, एंगल ही तो देखते हो ना। या वैसे देखो एक दूसरे से अपोजिट होंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो ये भी माइनस लिख दिया मैंने। तो देखो ये क्या है 2t cos थीटा, तो देखो वेलोसिटी भी ऊपर इसी डायरेक्शन में जाएगी, दोनों ब्लॉक ऐसे जाएगा, दोनों स्ट्रिंग ऐसे खींचेगी, तो ये ब्लॉक ऐसे ऊपर जाएगा डॉटेड लाइन के अलोंग, डॉटेड लाइन के अलोंग कंपोनेंट क्या बन रहा है t cos थीटा, t cos थीटा तो क्या बन गया 2t cos थीटा * v, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, v वेलोसिटी से बराबर 0, तो यहां से माइनस t 2tu बराबर 2t cos थीटा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई u cos u / cos थीटा, तो ऑप्शन दिस ऑप्शन इज राइट। बताइए समझ आया नहीं आया, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे फोर एक्सेलरेशन लग रहा तो फोर टी,
बोर्ड भी ऊपर जा रहा और ये भी ऊपर जा रहा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये माइनस, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट, देखो ये टी 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 टी, इस बोर्ड के ऊपर फोर एक्सेलरेशन लग रहा, तो फोर टी, ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा, किसे जाएगा, एक्सेलरेशन ए से, तो एट टी बराबर फोर टी ए, ये इससे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लगता है, पता नहीं क्या पुल्ली क्या बना दी, पर क्वेश्चन इजी सा है, समझ आ गया सभी को, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि मान लिया ये एक पुल्ली है यहां से और यहां से, ये भी एक बोर्ड लगा दिया यहां से, और यहां पे भी एक क्या लगा दिया आपको, बोर्ड लगा दिया यहां, ठीक है, ये मान लिया आपके पास बोर्ड ए है, ये बोर्ड क्या आपका बी है, ये एंगल बना रहा है यहां से इसके साथ, ये इस एक्सिस से 37 डिग्री का, और ये एंगल कितना बन रहा है यहां से आपका 53 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे फाइंड वीबी, ये वीबी की वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड वीबी वेलोसिटी, कितनी वीबी वेलोसिटी निकालनी है, जबकि ये जो है किसी एक्सेलरेशन मान लिया आपके पास 9 मीटर पर सेकंड स्केल से आगे बढ़ रहे हैं, ये किसी 9 मीटर, ये देखो VA जो है 9 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ेगा, तो इसकी वेलोसिटी वो भी सिर्फ ऐसे खींचेगा, ये किसी VB वेलोसिटी से आगे खींच के आएगा या नहीं आएगा बताओ, अरे जब आप इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे इस डायरेक्शन, देखो आप इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे इस वाले को, तो ये ऐसे आगे आएगा, ठीक है, तो ये आगे आएगा आपके पास, तो हमें बीबी का बताना है, तो हमने क्या पढ़ा, ये टेंशन टी अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये टेंशन टी अवे फ्रॉम द पॉइंट, कंसेप्ट क्या लगाएंगे, टी डॉट वी बराबर जीरो, कंसेप्ट क्या लगाएंगे, टी डॉट वी किसके बराबर हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या लिखोगे, देखो इसका टी का कंपोनेंट, देखो ये वेलोसिटी इधर है बीए की, टी का कंपोनेंट निकलो इसके इधर, इसके साथ कंपोनेंट क्या बन जाएगा, टी कोस 37, तो VA और T cos 37 एक दूसरे से अपोजिट है, तो VA T cos 37 एक दूसरे से अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है, क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, यहां देखो इसके बीच में क्या बन रहा है आपके पास, TBB, BB का T के साथ कंपोनेंट क्या बन जाएगा, T को या T का ले लो इस डायरेक्शन में, एक ही बात है, किसी को रिजोल्व कर लो, या VB को या T को, या मैं इसका कंपोनेंट इधर देखूं, कि ये VB cos 53 डिग्री, तो टी और बी के बीच में एंगल क्या बन, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे ऊपर एक साथ खींच के, या मैं कह दूं टी का इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, टी कोस 53 डिग्री, एक ही बात है, बात आगे समझ रहे, लेकिन हमें किसके अलोंग लेना होता है, स्ट्रिंग के अलोंग, आंसर तो सही आ जाएगा, लेकिन हमें स्ट्रिंग के अलोंग बात करेंगे, ये बन जाएगा यहां से आपके पास टी वी बी कोस 53 डिग्री बराबर जीरो, टी वी बी इंटू कोस 53 डिग्री बन जाएगा आपके पास, अरे फोर्स अलोंग द टेंशन, टेंशन के अलोंग बात करेंगे, किसके अलोंग बात करेंगे, टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स की बात करेंगे, तो ये ऐसे आगे आएगा ना खींच के, तो कितने फोर्स से ऊपर आ रहा है, तो टी से टी तक उसको उधर ले जाओ, बी ए कितना, -9 टी cos 37, देखो cos 37 53 की ट्राइंगल देख लो, ये 37 है, तो ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, ये 53 डिग्री की एंगल है, तो ये 4 आपके पास, ये 4, सॉरी ये 3 होता है इसमें, ये 3 और ये 4, 53 में ये होता है ये 3, सॉरी ये 4, ये 3 और ये आपका 5, ऐसे होता है ना, 53 में बड़ा होता है तो बड़े के सामने बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास ये बनेगा cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, cos 37 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4/5, ये उधर जाएगा TVP cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3/5, बीबी से सॉरी टेंशन से टेंशन कैंसिल, ठीक है, 5 से 5 भी क्या हो गया कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 = 3 VB, तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपके पास, 36/3, तो VB कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, 12 मीटर पर सेकेंड, देखो मैंने इसकी डायरेक्शन यही मान ली, VB और टेंशन दोनों ही डायरेक्शन में है ना, अगर मैं इसकी डायरेक्शन उल्टी इधर मान लेती तो नेगेटिव आ जाता,
नेगेटिव, जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाए मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी है उससे अपोजिट डायरेक्शन क्या करनी है आपको कंसिडर करनी है, मतलब कि हमने जो डायरेक्शन कंसिडर करी है उससे अपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगे आप लोग कंसिडर करेंगे। बताइए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? समझ आया, क्लियर हो गया क्वेश्चन? जल्दी नोट कर लीजिए, पॉज करके जल्दी नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन सिंपल था, इसको ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ये ऐसे आगे आएगा, तो किस वेलोसिटी से आएगा? देखो यहाँ पे टेंशन और इसके बीच में एंगल कितना बनता है, देखो टेंशन ऐसे जा रही है, टेंशन का ये कंपोनेंट इधर, वेलोसिटी इधर 180 डिग्री, इसमें देखो टेंशन का ये कंपोनेंट भी इधर, वेलोसिटी भी इधर, तो दोनों सेम एकदम ऐसे आगे बढ़ेंगे ब्लॉक के साथ, तो ये दोनों थीटा ये बन गया। यहाँ से सोल्व करा तो वेलोसिटी ऑफ वीबी कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकेंड स्केयर सेकेंड ईयर, ठीक है नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला देखिए एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मान लिया ये एक आपके पास ऐसे बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ये आपके पास एक लैडर लगी हुई है इस तरीके से, ठीक है जब ये लैडर आगे किसी फोर्स से खींचेगी, किसी वेलोसिटी से ये लैडर आगे जा रही है, मान ले ये लैडर जो है 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, ये लैडर कितने से आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो अभी सी बात है ये वाला पॉइंट नीचे आएगा किसी वेलोसिटी vb से, इसको मैं ए पॉइंट कह दूं, ठीक है तो ये वाला लैडर यहाँ से ही किधर आएगा नहीं, देखो जब इसको ऐसे खींचोगे इसको आगे खींचोगे तो ये नीचे आएगा या नहीं आएगा बताओ, बोलो ये नीचे आ जाएगा या नहीं। तो ये एंगल मान लिया मैंने 37 डिग्री और ये एंगल मान लिया मैंने 53 डिग्री, ठीक है ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है तो आपको बताना है कि VB की वेलोसिटी कितनी होगी, फाइंड VB, VB की वेलोसिटी कितनी होगी, आपको VB को क्या करना है यहाँ पे आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो क्या कंसेप्ट था, समीशन टी डॉट वी बराबर जीरो, समीशन टी डॉट वी बराबर जीरो, तो देखो इसमें टेंशन ऐसे जाएगी आपके पास, टेंशन ऐसे हो जाएगी, टेंशन आए फ्रॉम द पॉइंट, इस केस में देखो टेंशन इधर होगी और VB का कंपोनेंट भी इधर ही आएगा, VB cos 37, क्या बनेगा ये VB टेंशन VB cos 37, क्या बन जाएगा टेंशन के साथ VB cos 37, यहाँ पे टेंशन का कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी के अलोंग टेंशन का कंपोनेंट देखो ये इधर आएगा T cos 53 डिग्री, तो देखो ये वेलोसिटी इधर और ये इधर दोनों एक दूसरे से क्या है अपोजिट, या 180 माइनस करके कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट, तो माइनस टी कोस 53 डिग्री इंटू वी ए कितनी देर की 5 बराबर 0, तो क्या बनेगा टी वी बी कोस 37 डिग्री बराबर टी कोस 53 इंटू 5, टी से टी क्या हो गया कैंसिल, वी बी आपको निकालना है तो कोस 37 अभी बताया था ये 37 ये 5 ये 3 ये 4 और ये 53 डिग्री, 53 में ये 5 ये 4 और ये 3, तो क्या निकालना cos 37, cos 37 4/5 cos 53 डिग्री, तो ये बन जाएगा 3/5 इंटू में 5, ठीक है तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे, तो VB कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास 15/4, VB की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 15/4, तो VB किस वेलोसिटी से मूव करेगा आपका 15/4 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा वो आगे मूव करेगा, क्या करेगा 15/4 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा वो आगे मूव करेगा, तो अभी इसे देखो दिख रहा था ये इसको ऐसे आगे बढ़ेगा तो ये ऐसे आगे आएगा आपके पास, तो देखो टेंशन के अलोंग स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट देखो, तो ये कंपोनेंट इसका इधर आया, ठीक है तो ये टेंशन है, या फिर इसके ऐसे भी मान सकते हो ये एंगल 50 तो ये 180 माइनस 53 डिग्री, तो आंसर वही आएगा आपके पास, ठीक है तो फिर इस टी का इसके अलोंग कंपोनेंट ले लेंगे तो कोस वही आ जाएगा आंसर, ठीक है तो आपके पास ये क्या बन जाएगा आपके पास ये एंगल मैंने सीधा ले लिया, मैंने इसको रिजोल्व ना करके मैंने टी का कंपोनेंट इधर लिया आपके पास, तो टी का स्ट्रिंग से अपोजिट कंपोनेंट आ रहा है टेंशन, तो टेंशन अपोजिट है किससे वेलोसिटी से, तो माइनस आ गया यहाँ पे, तो वैसे कई दूसरे से माइनस आने ही होते हैं हमेशा ही, तो ये बन जाएगा आपके पास आंसर ये दिस, क्लियर हो गया जल्दी नोट करिए क्वेश्चन को, नोट हो गया क्वेश्चन 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार आपका, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, मान लिया आपके पास ये एक पुल्ली है, ये एक और पुल्ली है, ये एक और पुल्ली है, ये चार पुल्ली है, ठीक है। अब आपके पास ये यहां से एक बोर्ड है कोई भी, ये यहां से क्या बन रहा है, कोई भी आपका बोर्ड बन रहा है। तो ये यहां से एक पुल्ली, ये यहां से एक पुल्ली, यहां से एक पुल्ली और ये यहां तक, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है आपके पास इस डायरेक्शन में, ये इधर ऐसे बंधा हुआ है, इधर भी ये ऐसे बंधा हुआ आपके पास, इधर भी ये आपके पास ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है। ये यहां से जो है आपके पास इधर, ये किसी ब्लॉक ए लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कोई ब्लॉक ए लगा हुआ है आपके पास, तो आपके पास, और ये ब्लॉक क्या है, बी है, ये ब्लॉक क्या है, बी है। ये जो ब्लॉक है ये 21 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक कितने से नीचे जा रहा है, 21 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है आपके पास। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड वी बी, वी बी क्या करना आपको, फाइंड आउट करना, वी बी क्या करना आपको, फाइंड। तो पूछा ये बोर्ड जो है वो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, बोर्ड जो है आपका कितनी वेलोसिटी से वहां पे आगे ऊपर जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो देखो सिंपल बात करते हैं, ये टी टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, टी टेंशन अवे फ्रॉम, ये सारी पुल्ली फिक्स है, ये सारी पुल्ली कैसी है, फिक्स है, ये कैसी है, मूवेबल है, ये भी कैसी है, मूवेबल है, ये भी कैसी है, मूवेबल है। टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो पहले इसकी देखते हैं क्या निकालना, टी डॉट बी बराबर जीरो, ये कंसेप्ट लगाना हमें, ठीक है। तो ब्लॉक ए के लिए बात करते हैं पहले, तो ब्लॉक ए के लिए वेलोसिटी कितनी, 21। तो देखो वेलोसिटी नीचे, टेंशन ऊपर, तो माइनस का टी इंटू 21 हो जाएगा। अरे देखो टेंशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का टी इंटू 21। अब देखो ये कितना बचा आपके पास, एक टेंशन, ये ब्लॉक, ये जो बोर्ड बंधा हुआ है, बोर्ड कितने टेंशन से बंधा हुआ है, एक दो तीन चार पाँच छः और सात, कितने टेंशन लगेगी, सेवन। तो कितना लगेगा, सेवन। ये भी जब आप इसको ऊपर खींचोगे, जब आप इसको ऐसे नीचे खींचोगे तो ये किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो मान लें किसी ए एक्सेलरेशन से क्या जाएगा, ऊपर। सेवन टी बराबर ए बराबर ए, तो टी इंटू 21 बराबर माइनस सेवन टी इंटू ए, टेंशन से टेंशन मर गया, ठीक है। तो क्या आ गया, 21 इज इक्वल टू 7a, 7a बराबर 21, तो a कितना आ गया, 21/7, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्लॉक जो b है वो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा आपके पास, सॉरी मीटर पर सेकंड, ये एक्सेलरेशन नहीं बेटा, यहाँ एक्सेलरेशन लिखो, ये वेलोसिटी लिखते हो तो वेलोसिटी लिख लोगे, ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ठीक है। मान लें ये ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन इतने से नीचे आ रहा था, तो पूछ रहा है ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो टी डॉट ए बराबर जीरो, तो टी डॉट ए, तो ये आपके देखो ये टेंशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन नीचे टेंशन ऊपर, तो ये ऊपर नेगेटिव, तो ये कितने बने, 70 ए बराबर जीरो, तो टी इंटू 21 70, टी से टी मर गया तो कितना आ गया, 7 ए बराबर 21, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/7, कितनी आ जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड स्केयर। इतने एक्सेलरेशन से जो है ये बोर्ड ऊपर मूव करेगा। वेलोसिटी दे दे तो सिर्फ वेलोसिटी लिख देना वहां पे, क्लियर हुआ, जल्दी नोट करिए इस क्वेश्चन को, नोट करिए बेटा जल्दी से, समझ आ गया क्वेश्चन। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, ये ब्लॉक वन है और ये ब्लॉक टू है। ये ब्लॉक वन जब टू सरफेस टू पे गिरता है, जब वैन ब्लॉक वन फॉल्स ऑन ब्लॉक टू, देन ब्लॉक टू मूव विद ए टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपके पास मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड स्केयर, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो, 5 मीटर पर 3 लिख लेती हूँ मैं, कितने से मूव कर रहा है, मान लिया वो रूट थ्री से मूव कर रहा है, कितने से मूव कर रहा है वो, रूट थ्री मीटर पर सेकेंड स्केयर से क्या कर रहा है वो, मूव कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो पूछ रहा है
फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए वन। ए वन कितने एक्सेलरेशन से क्या करेगा आपका, मूव करेगा। ठीक है, देखो ये मान लिया ए वन एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये एंगल भी दे रखा है आपको, ये एंगल मान लिया कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है, 30 लिख लो, रूट थ्री आ लिख लिया, रूट थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री है आपको। तो जैसे देखो सिंपल से समझ आता है, ये स्मूथ सरफेस, सरफेस कैसा है, ये स्मूथ है, तो जैसे ये ब्लॉक इस पे गिरेगा तो ये आगे बढ़ेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये किसी मान लिया ए टू एक्सेलरेशन से क्या जा रहा है आगे, और ए टू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, रूट थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए टू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, तो पूछ रहा है A1 कितने एक्सेलरेशन से गिरेगी, इतने एक्सेलरेशन से आगे बढ़े। तो देखो ब्लॉक की एबीडी बनाते हैं, ये ब्लॉक है आपके पास A1, ये ब्लॉक क्या है A1, A1 ब्लॉक में देखो ये आपके पास जी, ये जैसे इस पर टिकेगा तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, अरे जैसे ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ऐसे आएंगे तो एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, तो जो नॉर्मल फोर्स लगेगा आपका, मान लिया इस पे वो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर लगेगा ना ऐसे नॉर्मल, ठीक है नॉर्मल, जब ये एंगल 30 डिग्री है तो देखो ये ब्लॉक है आपके पास, और ये दोनों ब्लॉक ऐसे मिलेंगे आपस में, तो देखो ये एंगल कह रहा है 30 डिग्री, तो इसके सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा इन दोनों के इसके सरफेस के साथ अगर एंगल 30 डिग्री है तो इसके सरफेस के साथ भी एंगल कितना होगा, दोनों के साथ 30 डिग्री बनाया नहीं एंगल, तो मैं अलग अलग बना रही हूँ एबीडी, तो ये इसके साथ, तो इसके साथ ये एंगल भी कितना बना, 30 डिग्री, ठीक है, और देखो ये ब्लॉक है तो सरफेस के साथ एंगल नॉर्मल कितना बनाता है, 90 डिग्री, सरफेस के साथ हमेशा नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, सरफेस के साथ नॉर्मल कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है, तो ये नॉर्मल बनाएगा, तो देखो ये नॉर्मल है तो ये सरफेस, ये 30 तो ये कितना बना आपका 60, ठीक है, अब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो ये फिर से कितना बचा आपका 30 डिग्री, अरे ये नॉर्मल और सरफेस ये था तो इन दोनों के बीच में 60 30 बना। अब देखो इस सरफेस के साथ बात करूं मैं, इसके साथ, तो इसके साथ ये दोनों देखो ये 60 30 क्योंकि नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इस ये एंगल में कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा, ये क्या लग रहा है नॉर्मल, तो इस केस में किसकी बात कर देंगे, अब यहाँ पर नॉर्मल की बात करेंगे, एन डॉट मार्ट एंसन की बात करते थे या किसकी बात कर लेंगे नॉर्मल की, किसकी बात कर लेंगे नॉर्मल की बात कर लेंगे, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो भी सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे बनेगी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन नीचे आ रहा, इस ब्लॉक वन का एक्सेलरेशन किधर जा रहा है, नीचे, नॉर्मल फोर्स किधर है ऊपर, एक्सेलरेशन किधर जा रहा है ऊपर, देखो एक्सेलरेशन ऊपर नॉर्मल नीचे, तो माइनस एन इंटू ए वन, एंगल दोनों के बीच में कितना है 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री, समझ आया कैसे लिखा, देखो एक्सेलरेशन नीचे नॉर्मल ऊपर जा रहा है, देखो सरफेस से टेढ़ा है ना तब दिख रहा आपको, नॉर्मल किधर जा रहा है ऊपर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है आपके पास 30 डिग्री, तो आपके पास या मैं ये कह दूं नॉर्मल का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा, एक ही बात है, ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा नॉर्मल का इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपका कोस 9, अरे ये इसका कंपोनेंट लोगे तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा एन कोस 30 डिग्री बनेगा ना, और एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक दूसरे से क्या अपोजिट है, एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक दूसरे से क्या हुए अपोजिट, देखो अब अपोजिट बने या नहीं बने, तो एंगल क्या आ गया यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस, ये ब्लॉक ए की बात करिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ये ब्लॉक ए के लिए आया, अब ब्लॉक बी के लिए एबीडी बनाते हैं, ब्लॉक बी के लिए एबीडी बनाएंगे तो देखो ये है आपके पास ब्लॉक बी, ठीक है, ब्लॉक बी में ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ से 30 डिग्री, तो देखो इसमें नॉर्मल ऐसे लगेगा, तो नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री, नॉर्मल और सरफेस, अरे ये देखो सरफेस ये नॉर्मल, इन दोनों बीच में एंगल कितना बनता है हमेशा 90 डिग्री, तो ये इसका सरफेस ही तो है, तो ये एंगल कितना बना आपका 60 डिग्री, ये एंगल कितना बन जाएगा यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री, ये ए टू एक्सेलरेशन से किधर जा रहा है आपके पास आगे जा रहा है, तो नॉर्मल का ए टू के साथ एन कंपोनेंट क्या बन जाएगा एन कोस 60 डिग्री, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, ठीक है, क्या बन जाएगा प्लस एन ए टू कोस 60 डिग्री बराबर जीरो, तो ये उधर जाएगा माइनस एन ए वन कोस 30 डिग्री प्लस ये माइनस एन ए टू कोस 60 डिग्री, एन से एन मर गया माइनस से माइनस मर गया, तो क्या आया ए वन कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री बाई टू बराबर ए टू, ए टू कितना दे रखा है रूट थ्री इंटू कोस 60 की वैल्यू वन बाई टू, वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो ए वन की वैल्यू टू रूट थ्री लिख लो, कुछ एक्सेलरेशन आ जाए टू लिख देती हूँ मैं, और मैंने कितनी लिख दी है टू,
तो ये कितनी वैल्यू है, ये टू रूट थ्री, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये सब कैंसिल, तो ए वन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे नहीं लिखते तो वन आ जाता, सिर्फ रूट थ्री लेते तो कितना जाता, वन। क्वेश्चन में टू दे रखा था शायद, मेरे जहाँ ऑप्शन में आया हुआ था जब क्वेश्चन ये, तो टू था, ठीक है। तो आपने कुछ भी लिख लिया कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये लिखोगे तो ये आपके पास सोल्व होगा कितना था, 2 मीटर। तो ए वन कितने एक्सेलरेशन से गिरे यहाँ पे आपके पास, 2 मीटर पर सेकंड से, जब ये 2√3 से क्या करेगा आपका आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। देखो स्मूथ सरफेस था, क्वेश्चन को फिर से समझिए, ये दोनों सरफेस कैसे स्मूथ, जब ये ब्लॉक इसके ऊपर गिरेगा, जब ये ब्लॉक इस पर गिरेगा तो ये आगे बढ़ेगा एकदम से, ऐसे गिरेगा तो ये एकदम ऐसे आगे जाएगा। तो पूछ रहा हूँ कितने एक्सेलरेशन से जाए, तो वहां पे टेंशन की बात करते थे, या ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से टच करेंगे तो किसकी बात कर लेंगे, नॉर्मल की। जब इसका नॉर्मल ऊपर लगेगा, तो देखो इसका नॉर्मल ऊपर, तो ये नॉर्मल सरफेस है, देखो ये नॉर्मल इस सरफेस से है, इस पॉइंट से सरफेस नॉर्मल इधर, तो ये एंगल 30 डिग्री। मैंने अभी बताया कि जब आपके पास ये एंगल 30 डिग्री है, तो दोनों ब्लॉक जब एक दूसरे को टच करेंगे तो दोनों के बीच में ये सरफेस के साथ एंगल 30 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी 30, तो नॉर्मल के बीच में और नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल 60, तो ये कितना बन गया 90। तो इसके लिए बात करें, इस वाले नॉर्मल के लिए, यहाँ से इस सरफेस के लिए, अगर इस सरफेस के लिए बात करूँ, यहाँ पे पहले अब मैंने यहाँ से यहाँ तक की बात करी, अब मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करी, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल कितना बचा 30, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना बन रहा है 90, और ये एंगल भी कितना बन रहा है आपका 90। अरे बैठे माई पॉइंट, ठीक है, समझ आ गया। तो ये मैंने इस तरीके से एंगल बना लिया। तो देखो इस नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट क्या बना, n cos 30, तो n cos 30 और a1 एक दूसरे से अपोजिट है, तो क्या आ गया माइनस, क्या आ गया माइनस। यहाँ देखो n का यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल दूसरे ब्लॉक पे, ब्लॉक नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट n cos 60, तो n cos 60 दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा क्या बना आपका 0। तो यहाँ से इसको क्या कर लेंगे सोल्व, तो आपके पास a1 एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर। जल्दी नोट करें इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया नोट, जल्दी नोट करिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपके पास एक मान लो कोई दो वॉल थी, उन वॉल के बीच में ये ब्लॉक ऐसे आ रहा है, वॉल बिल्कुल पास है ऐसे, कभी सोचो ज्यादा स्पेस है इस तरीके से, ठीक है, ये वॉल है, ठीक है। ये ब्लॉक जो है आपके पास किसी 8 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी से, ठीक है। तो देखो वो पूछ रहे हैं ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक के ऊपर गिरेगा ऐसे, इसके ऊपर ऐसे गिरेगा। तो देखो जब ये इसके ऊपर ऐसे गिरेगा तो ये किसी वेलोसिटी v2 से इधर आगे बढ़ेगा, ये किसी वेलोसिटी v1 से इधर आ रहा। देखो कुछ समझिए, ये बॉल में से कोई ब्लॉक आया, इस ब्लॉक पे आके गिरा, तो गिरेगा वैसे ऑब्वियसली बात है नीचे गिरेगा, ऊपर तो चढ़ेगा नहीं। ये ब्लॉक किसी वेलोसिटी v2 से किधर आएगा आपके पास, नीचे। तो वो v2 वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी, क्या करनी है, फाइंड v2 वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा ये 8 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, कितने से आ रहा है 8 मीटर, तो ये इस पे गिरा आपके पास, ठीक है। इसको मैं 9 मान लूं, थोड़ा कट जाएगा शायद मेरे पास कोई वैल्यू, 9 मान लूं, कितने से आ रहा है आपके पास ये 9 से, तो आपके पास ये इसके बाद देखो ये इसके ऊपर गिरेगा, तो इसमें क्या बनेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये v2 वेलोसिटी ऐसे जाएगा ना इस सरफेस के साथ साथ v2 से, तो इसका ये नॉर्मल इधर आएगा इस वाले ब्लॉक का, ठीक है। तो ये नॉर्मल और ये देखो ये एंगल 37 डिग्री बना, तो ये एंगल कितना बना आपके पास, ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा 53 डिग्री, ये एंगल कितना बन जाएगा 53। तो नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच में v2 का ये वाला कंपोनेंट इधर लिखूंगी तो क्या बन जाएगा v2 cos 53 डिग्री, ठीक है। या नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच n डॉट v लिखेंगे यहाँ पे n डॉट v बराबर 0, नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच में क्या एक्सेलरेशन, तो देखो एबीडी बनाते हैं, और ब्लॉक 1 इसको ब्लॉक 1 कह दो, इसको ब्लॉक 2 कह दो, ब्लॉक 1 के लिए एबीडी बनाते हैं। ब्लॉक 1 के लिए जब हम एबीडी बनाएंगे तो देखो ये भाई ये किधर सीधा आ रहा है आपके पास ब्लॉक, किस वेलोसिटी से, v1 = 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये ब्लॉक 1 है आपके पास, ठीक है। तो नॉर्मल किधर है इसका, ये इसके ऊपर टच करेगा तो नॉर्मल ऊपर, क्या लिखेंगे यहाँ पे -n × 9। देखो नॉर्मल और वेलोसिटी दूसरे से ऊपर नीचे है,
एन डॉट वी वन लिख देती हूँ पहले, माइनस क्यू लिखा, इसका नॉर्मल ऊपर वेलोसिटी नीचे। अब इसमें देखो नॉर्मल और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसी डायरेक्शन में, दोनों बीच में एंगल कितना बनाइए, एन इंटू वी टू कोस 53 डिग्री बराबर जीरो। तो ये बना माइनस एन, वी वन की वैल्यू कितनी है 9, माइनस एन वी टू कोस 53 डिग्री, एन से एन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 9 वी टू कोस 53 डिग्री। कोस 53 डिग्री निकालो कितना बनेगा आपके पास, ये 53, ये 5, ये 4 और ये आपके पास 3, तो कोस 53 डिग्री कितना बन जाएगा 3 बाई फाइव। तो ये कितना बन जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल, तो कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा v2, कितना आ जाएगा ये 15 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये इसके ऊपर फॉल होगा 9 मीटर पर सेकेंड, ये एकदम तेजी से भागेगा इंक्लाइंड प्लेन पे, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर जाएगा ये 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या करेगा ये आगे मूव कर जाएगा आपके पास। समझ आया, क्लियर हुआ क्वेश्चन, समझ आ गया सभी से। जब ये इसके ऊपर तो एकदम प्लेन पे तेजी से मूव करेगा और ये आगे क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। फिर से देख लीजिए, वॉल में से एक ब्लॉक आया सीधा इस पे टकरा है, तो ये किसी v2 वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, ठीक है, किससे बढ़ेगा, v2 वेलोसिटी से आगे। तो ये 37, ये 90, तो ये कितना बना आपके पास 53। तो नॉर्मल और v2 के बीच में एंगल कितना है 53 डिग्री। अब देखो इसका नॉर्मल तो ऊपर लगेगा, इस जब जैसे इससे टकराएगा तो इसका नॉर्मल नीचे, इसका नॉर्मल नीचे, इसका नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल और v1 एक दूसरे से अपोजिट है, तो क्या आ गया माइनस, तो ये क्या आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ v2 आ जाएगी यहाँ से आप। क्लियर, इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए क्वेश्चन को बेटा, नोट करो जल्दी से, 1 2 3 जल्दी फास्ट नोट करो क्वेश्चन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वैज है, ये एक क्या आपकी एक वैज है, ठीक है, वैज ये इस तरह की स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है जीरो, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये ब्लॉक इसके ऊपर गिरेगा आपके, एक जो ये ब्लॉक है इस तरीके से बना हुआ है, देखो इंक्लाइन के साथ ऐसे, ये ब्लॉक इसके ऊपर आके गिरेगा, ठीक है, ये ब्लॉक 450 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, तो बताइए मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो बताइए ये बात, जब जैसे इस पे गिरेगा तो ये वैज जैसे मूव कर जाएगा, स्मूथ सरफेस है, जैसे ही इस पे गिरेगा तो ये वैज इस डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये मान लिया किसी, ये a1 एक्सेलरेशन मान लिया, ये क्या मान लिया आपने, a2 एक्सेलरेशन मान लिया, ठीक है। तो आपके पास जैसे इस पे गिरेगा तो इसका नॉर्मल ऐसे आएगा, ये इधर क्या आ जाएगा नॉर्मल, तो ये एंगल 37, ये 37, तो ये 37, ये कितना बना 53 डिग्री, तो नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट क्या बन गया, एन कोस 53 डिग्री, ठीक क्या बन गया, नॉर्मल की डायरेक्शन में फोर्स क्या बन जाएगा, एन कोस 53 डिग्री। अब यहाँ देखो ब्लॉक वन ये है और ये टू था आपके पास, वन के लिए एबीडी बनाते हैं, ब्लॉक वन के लिए एबीडी देखो इधर नीचे बना दो, इधर देखो वन के लिए ये वन है, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा यहाँ से 37 डिग्री, ये एंगल भी कितना बनेगा 37, तो ये नॉर्मल इधर इस सरफेस से, ये नॉर्मल इधर लग रहा है आपके पास, तो ये एंगल कितना बना 53 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितना बन जाएगा 37 डिग्री, और ये दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में भी एंगल, दोनों सरफेस, क्योंकि नॉर्मल सरफेस के साथ क्या रहता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल सरफेस के साथ क्या रहता है परपेंडिकुलर, तो इसलिए ये एंगल क्या बनेगा आपका 90 डिग्री। ज्यादा नहीं बना रही हूँ, ज्यादा फिर पूछा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए ये एंगल नॉर्मल आपके पास इधर, और एक ये मैंने ले लिया, ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा 37, जैसे पहले क्वेश्चन में करा, अरे दोनों जब टकराएंगे तो इसके इंक्लाइंड से ये एंगल इतने डिग्री का बनाएगा, तो 37 ये एंगल 53 डिग्री, और ये एंगल कितना बनेगा आपके पास 37, ये नॉर्मल है, एक्सेलरेशन किधर आ रहा है इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड की स्केयर से, तो इसका नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट इधर कितना बन जाएगा, ये एन कोस 37 डिग्री, ठीक है। तो देखो नॉर्मल और एक दूसरे से अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा माइनस एन कोस 37 इंटू 15, ठीक है, प्लस अब इसका ये कंपोनेंट क्या बन रहा है एक डायरेक्शन में, ये दोनों, ये तो देखो इधर क्या बनेगा, एन कोस 53 डिग्री इंटू a2 बराबर जीरो, तो ये बनेगा नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, कोस 37 वैल्यू निकाल लो यहाँ से इसके पास, ये कोस, ये 37 डिग्री, 37 क्या हो जाएगा 5
तीन और चार, और 53 डिग्री के लिए बनाते हैं तो क्या बन जाता है ये, 53 के लिए ये चार पांच और तीन कितना बन जाएगा, चार पांच और तीन बन जाएगा आपके पास। तो देखो माइनस एन कोस 37, कोस 37 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4/5, 4/5 इंटू 15 बराबर एन कोस 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3/5, 3/5 इंटू ए टू, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल, पाँच से ये तीन पे, तो 12 इज इक्वल्स टू कितना आया, 3/5 इंटू ए टू, ठीक है। तो ये बन जाएगा 60, ये पाँच को उधर से मल्टीप्लाई, 60 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू ए टू, तो ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 20 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ये तीन से टू पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो जब ये इसके ऊपर गिरेगा तो ये वेज जो है 20 मीटर पर सेकंड स्केयर से आगे इधर की इस डायरेक्शन फिसल जाएगा। अरे जैसे कोई चीज रखी है ऊपर से कोई चीज किसी चीज पे गिरेगी तो फिसलेगी ना, तो इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, अगर ये डायरेक्शन मैंने ये मान ली थी, मैंने ये मान ली थी इस डायरेक्शन में आएगा, अगर तुम अपोजिट मानोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर में नेगेटिव, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, मैंने ये माना है कि वो इधर जाएगा और अभी इसके बाद वो इधर ही जाएगा, अगर तुम ये अपोजिट मानते तो यहाँ पे ये माइनस आ जाता, यहाँ पे ये क्या आ जाता आपका माइनस आ जाता, क्योंकि ये कंपोनेंट इधर जाता तो नॉर्मल और उसके बीच में एंगल कितना बन जाता 180 डिग्री, तो ऑटोमेटिक आंसर में नेगेटिव आ जाता है, वो कोई भी मान सकते हैं आप उस चीज, समझ आया बेटा आपके पास। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मूवेबल पुली के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आज के लिए बेटा इतना ही, ओके बेटा, क्वेश्चन करते रहिए, कुछ थोड़ा कम भी समझ आए तो वीडियो को एक बार बार रिपीट करके देख लेना, ओके बेटा आज के लिए इतना ही।